ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जानकारी की लड़ाई है, बुद्धि की लड़ाई है। जिस दिन 30% भारतवासियों को सच की जानकारी हो गई ना, ये कवर का ड्रामा उसी दिन उसी वक्त खत्म हो जाएगा। इसलिए हर इंसान तक सही जानकारी पहुंचाना आपका और हमारा फर्ज है। एक सवाल जो हजारों बार पूछा गया है, जिसका जवाब सही से बहुत ही कम लोगों को पता है, जैसे कि रेड डॉक्टर तरुण कोठारी कि अगर कवर महामारी नहीं है तो इतने लोग क्यों मर रहे हैं आखिर। आइए गहराई से एक एक चीज की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। कवर से लोग नहीं मर रहे हैं, बस जो जाने जा रही है उन्हें कवर के सेक्शन में लिखा जा रहा है। बस न्यूमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इन्फ्लुएंजा और जो भी जाने जा रही हैं जिसके दौरान आपको कभी भी कवर हो जाए, और वो कवर जिसका रिजल्ट भी नेगेटिव हो। जी हाँ, नेगेटिव रिजल्ट हो और आपको बुखार हो और मौत हो जाए किसी भी कारण से, तो आपकी डेथ लिखी जाएगी U07.1 और U07.2, यानी कवर से मौत। आपको एक एक चीज समझ आएगी कि कितना बड़ा झूठ है ये कवर। बस आपको एक चीज का प्रॉमिस करना है, बिना किसी ईगो के खुले दिमाग से हमारी बात सुननी है, और उसके बाद आप दुनिया के किसी भी डॉक्टर से जाकर पूछ लीजिए कि हम सही बता रहे हैं या गलत। और इंडिया में 10 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी चैलेंज है कि ये बात गलत साबित करके दिखाएं, क्योंकि ये बातें जो आप सुनने जा रहे हैं वो पूरी 200% सच है। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में समझाने की कोशिश की जाने वाली है। यही हमारी पूरी टीम का मकसद है, आप तक आसान तरीके से हकीकत पहुँचाना। टोटल 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, मान लो किसी की मौत हुई कवर से, तो डॉक्टर क्या करता है? ये गाइडलाइंस देखता है जो आपकी स्क्रीन पर है। अब देखते हैं कि आखिर इस गाइडलाइंस में है क्या। आप भी डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो पॉज करके साथ साथ आप भी चेक कर लीजिए। ये देखिए, पेज नंबर 4 पर पढ़िए, लिखा हुआ है अगर टेस्ट आया पॉजिटिव और जान चली गई तो कोड दिया जाएगा U07.1, ठीक है। अब इधर देखिए, अगर टेस्ट आया नेगेटिव यानी आपको कवर नहीं है, या अवेटेड यानी अभी रिजल्ट आया ही नहीं और पहले ही मौत हो गई, या इनकंक्लूसिव यानी कि टेस्ट के बाद भी डिसाइड नहीं हो पाया कि कवर है या नहीं, इन तीनों कंडीशंस में, जी हाँ, नेगेटिव रिजल्ट या अवेटेड या इनकंक्लूसिव में लिखा जाएगा मौत ड्यू टू कवर और कोड चढ़ेगा U07.2, ठीक है। बस एक छोटी सी शर्त है कि सिम्टम्स होने चाहिए। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक दिन आप सो के उठे और आपको जुखाम बुखार सा फील हो रहा है, और आप भूले भटके चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कि सर कवर का टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा। अब अगर टेस्ट आ गया पॉजिटिव तो आप तो फंस गए, और अगर टेस्ट आया नेगेटिव तभी भी आप फंस गए। हाँ, क्योंकि जो गाइडलाइंस डॉक्टर्स को दी गई हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें अगर आपको सिम्टम्स है तो डॉक्टर बोलेगा कि सर चाहे टेस्ट नेगेटिव है लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपको कवर हो, तो आओ इलाज शुरू करते हैं, और वो आपको पकड़ लेगा और आप फंस गए। अब खुदा ना खास्ता ऐसे किसी इंसान की मौत हो जाए, मान लो उसका हॉस्पिटल के बाथरूम में पैर फिसला, सर टकराया और मौत हो गई, या फिर बहुत सालों से उसे कोई भयंकर बीमारी थी या किसी और कारण से, और उसकी जान गई हॉस्पिटल में कवर का इलाज कराते हुए, तो लिखा जाएगा U07.1 अगर टेस्ट पॉजिटिव था, या फिर U07.2 अगर टेस्ट नेगेटिव था। दोनों कोड का मतलब होता है कि जान ली है कवर ने, समझ गए ना। सिम्टम्स है तो भैया आपको कवर है। इससे हो ये रहा है कि जो भी इंसान पहले किसी और कारण से मरता था, अगर उसने मरने से पहले टेस्टिंग करवाई हो तो आज की डेट में उसका रीजन लिखा जाएगा कवर। अगर उसकी सांस फूली हो या निमोनिया हुआ हो या किसी भी कारण से, किसी भी बीमारी से हो सकता है, समझ गए ना। दूसरा पॉइंट जो बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना, अभी आखिर ICMR गाइडलाइंस कौन सी फॉलो कर रही है। ये गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है वर्ल्ड हैरेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कवर की, ICD-10, ठीक है, इतना समझे, सिंपल। अब चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड हैरेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कवर गाइडलाइंस है क्या। ये देखिए, आप वीडियो पॉज करके इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके पेज नंबर 8 को पढ़िए,
मिल गया एग्जैक्टली सेम है ना। यहाँ से हमारी गवर्नमेंट को बोला गया है ये अप्लाई करने के लिए U07.1 और U07.2, जो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं एक बार फिर बता दे रही हूँ। U07.1 का मतलब है टेस्ट पॉजिटिव और कवर से मौत, और U07.2 का मतलब है टेस्ट आया नेगेटिव या फिर अवेटेड या फिर इनकंक्लूसिव। बस आपको किसी और कारण से न्यूमोनिया या ARDS है तो भी डाइड ड्यू टू कवर। आराम से सुनिए क्योंकि काफ़ी डीप जाना है अभी। तो यहाँ से गवर्नमेंट के ये रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अब आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखा देती हूँ जो कि ICMR के एग्जांपल्स हैं, हमने नहीं बनाया है। तो देखते हैं कि असल में ज़मीन पर हो क्या रहा है। 76 साल का आदमी जिसको हार्ट डिजीज था, उसको बुखार आया और उसकी सांस फूलने लगी और उसने कर दी एक गलती, वो चला गया हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में उसकी टेस्टिंग हुई तो डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल पाया कि उसको कवर है कि नहीं, क्योंकि टेस्ट रिजल्ट आ चुका था इनकंक्लूसिव, लेकिन उस आदमी को बुखार था। तो डॉक्टर ने बोला कि सर रिजल्ट तो इनकंक्लूसिव था, लेकिन ये भी तो हो सकता है तुम्हें कवर हो, तो आओ हम तुम्हारा कवर का इलाज शुरू कर देते हैं। और इस वजह से दोस्तों देखो यहाँ लिखा गया है प्रोबेबल कवर। अब इस इंसान के हॉस्पिटल में हो जाती है मृत्यु, चाहे किसी भी कारण से हो, तो रजिस्टर में लिखा जाएगा U07.2, यानी कि मौत हुई है कवर से। और आपको ये नहीं भूलना है कि इसको कवर था ही नहीं। डन, समझ गए। दूसरा एग्जांपल देखिए, 60 साल का आदमी जिसके बेटे की कवर से डेथ हुई और इस 60 साल के आदमी का रिजल्ट आया नॉट अवेलेबल, यानी टेस्ट रिजल्ट है ही नहीं डॉक्टर्स के पास, और साथ में इनको 15 साल से डायबिटीज भी थी और इसकी हो गई मौत ARDS से, फिर भी रजिस्टर में लिखा जाएगा U07.2। समझ गए ना, डॉक्टर पे टेस्ट का रिजल्ट अवेलेबल ही नहीं है फिर भी लिखा जाएगा कवर से मौत, क्योंकि इनको के सिम्टम्स थे बस। ये लास्ट एग्जांपल देखिए, ये खुद वर्ल्ड हैरेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है। अब इस इंसान को 5 साल से कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और बेचारे को 14 साल से टाइप 2 डायबिटीज भी है, और तो और 8 साल से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी है। कितना बीमार आदमी है। एक दिन इसको खांसी हुई, इसने जाकर टेस्ट करवाया कवर का और रिजल्ट आया अवेटेड। ठीक, इतने बीमार आदमी का रिजल्ट आया अवेटेड, लेकिन डॉक्टर्स को लगा कि इसको तो खांसी है और फीवर है, तो क्या पता कवर भी हो, तो लिखा गया सस्पेक्टेड कवर। ध्यान से देखना, रिजल्ट ऑलरेडी अवेटेड है, तो अब ये बीमार आदमी जब मरेगा तो बताओ उसकी मौत का कारण क्या लिखा जाएगा, न्यूमोनिया? जी नहीं, लिखा जाएगा कवर। समझ गए, जिसका रिजल्ट भी नेगेटिव था और सस्पेक्ट था फिर भी कॉज लिखा जाएगा कवर और कोड चढ़ेगा U07.2। अब क्या डॉक्टर्स को नहीं पता ये? जी बिल्कुल पता है, लेकिन अब यहाँ वर्ल्ड हैरेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दो गहरी चाल चली है, डॉक्टर्स को एक्स्ट्रा पैसा यानी इंसेंटिव, और दूसरा ये SP3 एंड SP4 रूल्स। ये आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझ आएगा, ध्यान से सुनना। चौथा पॉइंट देखते हैं कि ये इतना बड़ा ड्रामा कैसे किया SP3 और SP4 रूल लगाकर, कि इतना बीमार आदमी नेगेटिव रिजल्ट के बाद भी लिखा जाएगा कवर ने ले ली जान। अब इसकी खोजबीन करने के लिए जाना है हमें जड़ में, यानी कि ये बुक। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी मोटी बुक है, टाइम बहुत लग सकता है पढ़ने में। इसके आपको सिंपल से पेज नंबर 55 और 56 को खोलना है, ठीक है, SP3 और SP4 को समझने के लिए। यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक छोटी सी लेकिन बड़ी सी धमकी जो वर्ल्ड हैरेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन चुपके से सारे देशों को दे रही है। लिखा है कि यही रूल्स फॉलो करने हैं, चाहे वो सही लग रहे हो या गलत लग रहे हो, और देशों को अपने हिसाब से इन्हें चेंज नहीं करना है चाहे गलत भी लग रहे हो, ठीक है। ये है वो सारा झमेला। अब ब्लैक ने क्या किया? ब्लैक, जिसका वर्ल्ड हैरेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर हद से ज्यादा कंट्रोल है, क्योंकि टॉप 13 में से 7 इन्वेस्टर्स खुद ब्लैक ही है, इसने लिस्ट में चेंजेस करवाए। और SP3 और SP4 में एक लिस्ट होती है रिजेक्टेड सीक्वेंसेस की, उसमें कवर को डलवा दिया। सिंपल से बता देते हैं, ध्यान से सुनिए, कि ये जो लिस्ट है
अब इसमें से आपको अगर कोई भी बीमारी है, चाहे इस लिस्ट की बीमारियों में से किसी बीमारी से मौत ना भी हो, लेकिन कभी गलती से आपको ये बीमारी हुई, तो हमेशा के हमेशा लिखा जाएगा कि मौत इसी बीमारी से हुई है, चाहे मौत इससे ना हुई हो। अब ये लिस्ट किस हिसाब से बन रही है, यही है असली पेच। ये कुछ थोड़ी सी बीमारियां हैं जिसका इलाज एलोपैथी करने का दावा करती है। अब जिस जिस बीमारी का इलाज आ जाएगा, उस बीमारी को इस लिस्ट में डाल दिया जाता है, ताकि अगर पेशेंट की मौत के वक्त गलती से भी उसे इसमें से कोई भी बीमारी थी, चाहे उससे उसकी जान ना भी गई हो, फिर भी यही बीमारी लिखी जाएगी कॉज के रूप में, यानी UCOD, ताकि इस बीमारी के लिए बनी हुई एलोपैथी की दवाइयां बिक सके। ये होता है रिजेक्टेड सीक्वेंस। अब ब्लैक ने कवर को डलवा दिया इस सेक्शन में, यहाँ देखिए। तो अब अगर किसी की डेथ किसी भी कारण से हुई हो और बस कवर का रिजल्ट आया नेगेटिव और बस सिम्टम्स हो जैसे कि बुखार, तो अगर जान गई तो कोड लिखा जाएगा U07.2, क्योंकि रूल अप्लाई हो रहा है SP3 और SP4 के रिजेक्टेड सीक्वेंस वाला। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मुझे पता है, लेकिन अब क्या करें, ये है ही कॉम्प्लिकेटेड ड्रामा। अब इतनी सारी हकीकत इससे और सरल से कैसे समझाएं आप सबको, समझ नहीं आ रहा हमें खुद। एक काम कीजिए, या तो आप हमारी वीडियो शुरू से देखिए, या हम पर भरोसा कीजिए, या खुद पढ़ लीजिए, या जैसे आपको सही लगे, ठीक है। अब फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, जो कि हद से ज्यादा मजेदार और डरावना दोनों एक साथ है, इस बुक के जो सबसे इम्पोर्टेंट पेजेस है जिससे कवर के रूल्स में छेड़खानी कर पाना संभव हुआ है, उन पेजेस में से दो पेजेस गायब कर दिए गए हैं। जी हाँ, गायब। पेज नंबर 156 से 162 के बीच में से दो पेजेस गायब हैं, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पेजेस थे। अब किसने करवाया गायब, ये आप और हम जानते हैं, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उस डॉक्टर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं, फिर भी जो है बहुत है। हद से ज्यादा अजीब चीज देखिए, होश ना उड़ा दिए तो आपके पूरे पैसे वापस। ये है रूल्स फॉर रीसिलेक्शन व्हेन मेन कंडीशन इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, यानी कि जो भी मेन कंडीशन है डेथ के सीक्वेंस में, अगर वो गलत लिखी गई है तो उसे ठीक से कैसे लिखना है। आप ये एग्जांपल से समझिए, बहुत सिंपल है। याद रखिए ये दो शब्द, रूल MB1 एंड रूल MB2, पेज नंबर 156, ठीक है। ये रूल्स MB2 का एग्जांपल देखिए। अगर पेशेंट को है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस, यानी आप समझिए कि बहुत खतरनाक फेफड़ों का इन्फेक्शन, और साथ में उसको सोरियोसिस वल्गैरिस, यानी आप समझिए कि स्किन का इन्फेक्शन हो गया, वो आदमी अपने फेफड़ों के इन्फेक्शन से जूझ रहा है, और एक दिन वो हॉस्पिटल जाए अपने स्किन इन्फेक्शन के लिए, और तभी वहाँ उसकी मौत हो जाए, तो डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा जाएगा मेन कंडीशन है स्किन इन्फेक्शन। जी हाँ, ये है रूल MB2 एंड MB1। यानी आसान भाषा में समझिए कि किसी को दुनिया जहां की बीमारियां है, लेकिन वो इलाज कराने गया अगर कवर का, उसके बाद उसके टेस्ट का रिजल्ट आया नेगेटिव, और डॉक्टर को लगा कि क्या पता कवर हो उसे, रिजल्ट चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, तो वो डॉक्टर लिखेगा कि आपको है सस्पेक्टेड कवर, अगर आपको थोड़ा सा बुखार जुकाम ही क्यों ना हो, ठीक है। और कवर के इलाज के दौरान, वो झूठा इलाज जिसमें बकवास दवाइयां खिलाई जा रही है, उस दौरान मौत हो जाए किसी भी कारण से, तो रजिस्टर पर लिखा जाएगा U07.2, यानी कवर से मौत। यानी इलाज जिस चीज का कराने गए और उस दौरान मौत हो गई, तो जिस चीज का इलाज चल रहा था वो बन जाएगी मेन कंडीशन, और ये MB1, MB2, SP3, SP4 रिजेक्टेड सीक्वेंस। इन पांच चीजों को मिलाकर कवर से जो मौतें नहीं हो रही है, वो हमेशा लिखी जाएगी जान गई है कवर से। अब सब कुछ शॉर्ट में सुन लो, इस पाई चार्ट को देखो, इसमें जो ये दो हाइलाइटेड सेक्शन है जिनको मिलाकर करीब 20% लोगों का जीवन खत्म होता है एक साल में, इन कारणों को उठा के डाल दिया जा रहा है कवर के खाते में। MB1, MB2, SP3, SP4 रिजेक्टेड सीक्वेंस का यूज करके, सिर्फ चंद पैसों के खातिर या नौकरी खोने के डर के वजह से। तो इस वजह से अगर किसी का रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तो भी लिखा जाएगा मौत हुई कवर से। अब ये सारी बातें ना डॉक्टर समझते हैं, जिनका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है उनका समझना और मुश्किल है, और जो समझते हैं उसको ये समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ कैसे समझाएं। शुरुआत से देख ले वीडियो,
या फिर खुद सब कुछ पढ़ लें। और ऐसे कुछ डॉक्टर्स के भरोसे ना रहे जिन्हें ना तो खुद पता है और पता है तो थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान बेच चुके हैं, या फिर डरे हुए हैं सरकार से क्योंकि उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी अगर उन्होंने सच आपको डायरेक्ट बता दिया। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि रिसर्च करने में और फिर सुंदर सी एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसे यहीं ख़त्म करते हैं। आप तब तक इन टॉपिक्स पर अपनी जानकारी बढ़ाएं क्योंकि जानकारी ही आपकी ताकत है। दोस्तों, एक चीज़ है जो आपसे कोई भी कभी नहीं छीन सकता और वो चीज़ है आपकी बुद्धिमत्ता। आप और हम वक्त बदलेंगे क्योंकि अब हद हो चुकी है।